एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमली। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक कमाल की वेट लॉस ड्रिंक। एंड गाइस, इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैं जो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूं, आप जस्ट सोच नहीं सकते कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स कितना ज्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस ड्रिंक बनाने के लिए और एक महीने के अंदर आपके फैट को कट करने के लिए। सो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि फैट हमारे शरीर में क्यों जमते हैं। तो फैट हमारे शरीर में इसलिए जमते हैं कि रेगुलर की हम जो खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जंक तो हमारे अंदर चली ही जाती है। बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली हम जंक फूड को अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो भी जंक फूड हम खाते हैं या जो भी हम रेगुलर के खाना खाते हैं, उसका जो टॉक्सिन है वो हमारे बॉडी से निकाल नहीं पाते और उसके अंदर जो सारे फैट है वो हमारे शरीर में जम जाते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म भी अगर ठीक ठाक नहीं होते तो इसके कारण से भी हम फैट बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप और आपके कोई फ्रेंड, आप लोग एक ही लाइफस्टाइल लीड करते हो तो उसके बावजूद भी वो फैट नहीं है पर आप फैट हो। क्यों हो? आप तो एक ही जैसे खाना खाते हो, लगभग एक ही जैसे लाइफस्टाइल लीड करते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि उसके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फास्ट है, पर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक नहीं है। और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके फूड और लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है आपके अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे मेटाबॉलिज्म का जो प्रॉब्लम है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर अभी हम हाँ कुछ कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि इस ड्रिंक को बनाने का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, और वो है ग्रीन कॉफी। यस गाइस, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ओरिजिनल ग्रीन कॉफी और ये ऑर्गेनिक ग्रीन कॉफी है। तो यही है वो एक्चुअली मंत्र जिसके लिए मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ ये जो वेट लॉस ड्रिंक है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड गाइस, वन मंथ के अंदर आपका जो वेट है वो 4 to 6 kg कम हो जाएगा, इसमें गारंटी। और उसके साथ मैं कुछ टिप्स भी आपको दूंगी जो उसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और गाइस, मैं ये ओरिजिनल ग्रीन कॉफी इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन कॉफी इतना भी इजिली अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। तो जितने भी अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो सही चीज़ है वो चुनना होता है। एज अ ब्रांड टू ब्रांड तो वेरी ऑब्वियसली करते हैं, पर मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ ओरिजिनल ग्रीन कॉफी क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो इसमें कोई भी हार्म नहीं है। और कोई भी ग्रीन कॉफी अगर आप यूज करेंगे तो हो सकता है उसमें बस कलर और उसका एक सेंट ऐड किया गया है जिसके लिए आप उसका कॉफी जैसा ही फ्लेवर तो आएगा, पर एक्चुअली वो आपके हेल्थ के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छी चीज में जाए। यह है रॉ अनप्रोसेस्ड कॉफी बीन और इसमें भरपूर मात्रा के एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके वेट लॉस में काफी मदद करने वाले हैं। आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसे भी इंप्रूव करता है और कॉफी में जो कैफीन होते हैं वो इसमें नहीं है, तो इसलिए आपके जो स्टमक है उसे भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके शरीर में जो खाने की वजह से फैट जम जाते हैं ना, उसे भी ये फ्लश आउट करते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक पैन में डालना होगा 1 glass of water और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon ऑफ ग्रीन कॉफी बीन और उसके साथ मैं ऐड करूंगी 1 piece ऑफ सिनेमन स्टिक और अभी इसे 8 to 10 minutes तक ऐसे ही बॉईल करना है। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको सिनेमन स्टिक ऐड करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने इसे यूज किया है। और गाइस, ये कॉफी जब बन जाएगा तो उसके बाद इसे स्ट्रेन करना है और स्ट्रेन करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा हनी ऐड करूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाए। तो सिनेमन और जो हनी है ये भी आपके वेट लॉस में काफी मदद करेगा। पर अगर आपको ये सारी चीजें पसंद नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ कॉफी बीन को ही गर्म पानी में ऐसे बॉइल करके उसे स्ट्रेन करके पी सकते हैं, वो ड्रिंक भी सेम मदद करेगा आपके वेट लॉस में। अगर आप कॉफी बीन की जगह कॉफी बीन्स को थोड़ा सा क्रस्ट करके यूज करते हैं, यानी कि सारे बीन्स को साथ क्रस्ट कर लीजिए और फिर एक डब्बे में भर लीजिए और जब भी आप इसे प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल चाय पत्ती की तरह इसे यूज कीजिए और बिल्कुल जैसे ब्लैक टी बनता है वैसे ही ये भी ग्रीन कॉफी बन जाएगा, उसे स्टेन करके यूज करना पड़ेगा। सो गाइस, ये बन चुका है हमारा वो कॉफी बीन ड्रिंक और अभी आप देख सकते हैं ये कॉफी बीन को अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन था और ये कम्प्लीटली व्हाइट हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जितने भी मतलब गुण थे वो सारे इस ड्रिंक में मिक्स हो चुका है। और अभी मैं क्या करूंगी, इसमें मैं थोड़ा सा हनी ऐड करूंगी, चाहे तो विदाउट हनी भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ ही साथ इसे थोड़ा सा ठंडा करना है क्योंकि इतना भी हॉट नहीं पीना चाहिए क्योंकि ज्यादा हॉट पीने से हमारा वेट लॉस जल्दी होगा। इस चक्कर में कभी कभार इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, यानी कि दूसरी तरफ से ये आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से हम चाय पीते हैं ना ऐसे सिप लगा के, बिल्कुल उसी तरह से आप इसे पिए, ज्यादा हॉट भी ना पिए और इसे ठंडा करके भी ना पिए।
और इसमें से इतना अच्छा एक खुशबू आ रही है, मतलब सिनेमन हनी और ये ग्रीन कॉफी सब एक साथ मिक्स करके ये जो ड्रिंक है ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और ये जब तक ठंडा हो जाए, ये अभी बहुत फिलहाल हॉट है, तो ये जब तक ठंडा हो जाए मैं आपको कुछ बात बता दूं कि ये ड्रिंक आपको एवरीडे लेना है और एवरीडे 1 टीस्पून ऑफ कॉफी एक्सट्रैक्ट आपके अंदर जाना चाहिए, चाहे वो आप एक बार में पिए या दो बार में पिए। एंड गाइज, जब भी आप इसे पियेंगे तो दिन के किसी भी टाइम इसे आप नहीं पी सकते, आपको पीना है बिफोर फूड, वो भी 30 मिनट्स के गैप रहना चाहिए। ज्यादातर देखा जाता है कि वेट लॉस जो ड्रिंक होते हैं वो एम्प्टी स्टमक में लिया जाता है, तो अगर वो आप कर सकते हैं देन नथिंग लाइक दैट। तो ब्रेकफास्ट लेने के आधे घंटे पहले आप इसे पिए और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट कीजिए। और अगर आप एम्प्टी स्टमक में ऐसे ड्रिंक नहीं लेना चाहते तो लंच करने के 30 मिनट्स पहले इसे लीजिए और उसके बाद 30 मिनट्स का गैप देने के बाद ही आप लंच कीजिए। और कुछ टिप्स मैं आपको दे दूं कि ये ड्रिंक पी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी खा सकते हो, यानी कि जंक वगैरह जो भी फैट मतलब जो भी आपके मन करे आप पी सकते, खा सकते या पी सकते। तो कुछ चीजें होते हैं कि वो सारी चीजें हमें ऑब्वियसली मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि जंक से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और जो रेगुलर के जो घर का बना हुआ फूड है वो भी कुछ कंडीशन में आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि कर्ब को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और ब्रेकफास्ट हैवी कीजिए। ब्रेकफास्ट हैवी करने से क्या होता है कि लंच में हमारा भूख कम लगता है, तो उस टाइम में आप ऐसा हल्का कुछ खाना खा लीजिए। एंड एवरीडे आपके डाइट में फ्रूट और कर्ड को जरूर रखिए, क्योंकि मैं एवरीडे 500 ग्राम्स ऑफ कर्ड लेती हूँ, चाहे वो स्मूदी के रूप में हो या ऐसे फ्रूट सलाद में एज अ कस्टर्ड मैं यूज करती हूँ, और थोड़ा सा लाइट लंच भी हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप मेंटेन करते रहेंगे ना तो एक महीने में आपका वेट काफी लॉस होगा, एंड दैट इज माई प्रॉमिस। ऑसम, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार बस एक बार आप पी के देखना। ग्रीन टी की तरह वैसे ग्रीन टी भी बहुत अच्छा होता है, पर ये जो ग्रीन कॉफी है ना ये ग्रीन से भी ज्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए। एंड ग्रीन टी जैसे कि कड़वा होते है इसलिए हम में से हर कोई पसंद नहीं करते ग्रीन टी लेना, पर ये जो कॉफी होता है ग्रीन कॉफी इसमें थोड़ा सा भी कड़वाहट नहीं है, पर इसमें बहुत अच्छा एक एरोमा भी आता है और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर इस ड्रिंक को आपको रियली हेल्पफुल लगा तो इस कॉफी बीन को अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू योर वेट लॉस। ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और आगे इस तरह के कई सारे वेट लॉस के ऊपर स्किन केयर हेयर केयर के वीडियो लेके मैं आगे आने वाली हूँ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।